Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are preparing for Central Teacher Eligibility Test और जो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है असेसमेंट, ठीक है। तो कंटेंट वीडियो 3 मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और अगर आपने वो नहीं देखी हो तो पहले वो ज़रूर देखना, क्योंकि ये है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपका असेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इट्स टाइम टू इवेल्युएशन, ठीक है, इट्स टाइम टू इवेल्युएशन। और यहाँ पर हमने यूज़ किया है वर्ड असेसमेंट ऑफ योर लर्निंग। तो बता दीजिए कि ऑफ लर्निंग क्यों हो सकता है। तो ऑफ यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये सबमिटिव इवेल्युएशन की बात हो रही है यहाँ पर, कि आपने जो 3 वीडियोस में कंटेंट में सीख लिया है अब उसका इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ यूज़ किया है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आंसर हैं इस वीडियो में, तो जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द सक्सेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कौन सा मेथड जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है CCE के लिए, ठीक है। CCE हम पढ़ चुके हैं, तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इसके लिए अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। पढ़ते हैं पहले ऑप्शन सारे। कंडक्टिंग असेसमेंट एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द सेशन, यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेज टू असेस चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गिविंग रिटन टेस्ट टू चिल्ड्रन पीरियोडिकली, हैविंग ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन टेस्ट। तो आप देखिए कौन सा आंसर हो सकता है। पहला नहीं हो सकता क्योंकि ये बात कर रहा है सिर्फ एट द बिगनिंग और एट द एंड की, ठीक है। सेकंड में बात कर रहे हैं वैरायटी ऑफ वेज की, और बात कर रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात आ रही है, कॉम्प्रिहेंसिव दोनों ही चीज़ों की बात आ रही है। थर्ड में है कि गिविंग रिटन टेस्ट टू चिल्ड्रन पीरियोडिकली, ठीक है। ओनली रिटन टेस्ट तो हम नहीं कैटर करते हैं, हैविंग ओनली मल्टीपल चॉइस, ठीक है। ओनली जहाँ पर बात आ जाती है वहाँ पे लिमिट्स ही हो जाती है कि हाँ ठीक है इसी चीज़ की बात करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ वेज की भी बात हो रही है कि अलग अलग तरीके से, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की भी बात हो रही है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर किस से रिलेटेड था, फॉर से हमने याद किया था फॉर्मेटिव को, ठीक है, एफेज। अब देखते हैं कि कौन सा इनमें से एफेज को हाईलाइट कर रहा है। फर्स्ट है, द टीचर असेसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग। सेकेंड है, द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्स टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। The teacher assesses the students based on the information given in the books. The teacher assesses a student based on his or her performance in comparison to others. ठीक है, देखते हैं main key points क्या दिए हुए इन्होंने। The teacher assesses conceptual understanding, ठीक है, conceptual understanding की बात कर रही है और process of thinking की बात कर रही है। Of course ये दोनों ही चीज़ें हमारी FA में आती हैं, तो ये answer हो सकता है। Second में क्या बोल रहे हैं कि the teacher assesses the student by comparing their response to standard responses. तो standard responses में मतलब comparison तो आता ही नहीं है, खैर compare हम दूसरे जो है उससे नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो negativity show करता है। तो next है कि the teacher assesses the student on the base, ये student based on the information given in the books, नहीं बिल्कुल भी नहीं, books तो यहाँ नहीं होगा। The teacher assesses a student based on his or her performance comparison to others. Again, comparison की बात आ गई तो ये भी नहीं होगा। तो first जो है हमारा answer हो गया, क्योंकि conceptual understanding की बात हो रही है, plus यहाँ पे बात हो रही है process of thinking की। तो first हो गया इसका answer। Next question, which of the following statements reflects assessment for learning? दोबारा से यहाँ पे for learning की बात हो रही है, तो देखते हैं। जैसा कि अभी पिछले question में हमने देखा था, for learning means FAs, formative assessment. Assessment is used to label superior and inferior student, ठीक है। तो यहाँ पे labeling superior और inferior की जा रही है। Assessment is carried out during teaching learning to create differentiated teaching and learning strategies during teaching learning, ठीक है, during TL की बात हो रही है यहाँ पर। Third है, assessment is used to provide
evidence of achievement to parents, student, etc. ठीक है, assessment कितना मतलब evidence के तौर पर हम provide कर दें achievement की, बच्चे के achievement की, तो वो थर्ड पे बात हो रही है. अचीवमेंट, ये असेसमेंट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. तो एट द एंड ऑफ द लर्निंग वाला जो होता है वो होता है एसे. ठीक है, जो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जहाँ पे बात हो रही होती है वो होता है एट द एंड. तो हमारा जो आंसर हो गया वो सेकेंड ये हो गया कि जो ड्यूरेशन में होता है वो होता है फॉर्मेटिव, और यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है और फॉर लर्निंग हमारा रिलेटेड होता है एफ ए से. ठीक है, तो सेकेंड हमारा यहाँ पे आंसर हो गया. आगे देखते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट चिल्ड्रंस वर्क रैदर देन क्रिटिसाइज इट. ठीक है, अप्रिशिएट करना यहाँ पे ज्यादा जरूरी होता है बजाय कि हम उसके काम को क्रिटिसाइज करें. तो ये स्टेटमेंट जो है कैसी है, करेक्ट है, क्योंकि बिकॉज नो पेरेंट कैन कंप्लेन टू द टीचर दैट शी स्कोल्डेड हर चाइल्ड. इनकरेक्ट है, सिंस अप्रिशिएशन स्पॉइल्स चिल्ड्रन, मतलब अप्रिशिएशन बच्चे को जो है स्पॉइल कर देता है. इनकरेक्ट है, since children can improve their work only when adults criticizes. मतलब ये मतलब है यहाँ कि अगर जो adult है वो criticize करेगा काम को तभी बच्चा जो है improve कर सकता है, तो ऐसा नहीं I think. Correct, since it helps to foster creativity in children. तो यहाँ पे correct है ये statement बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे की creativity जो है वो बाहर आती है. ठीक है, जो है correct नहीं, करेक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ जो है कोई पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे तो इसीलिए ऐसा नहीं है. इनकरेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि अप्रिसिएशन बच्चे को स्पॉइल नहीं करता, वो उसको मोटिवेट ही करता है. और ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ क्रिटिसाइज करें तो ही बच्चा इम्प्रूव होगा. तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गई. आगे देखते हैं. योर क्लास हैज लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, टू असेस देम यू वुड गिव देम. अब यहाँ पे पहले ही बात कर दी गई है कि लर्नर विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. ऑफकोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो लर्नर है हर एक अलग अलग है और उनका हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है. तो ये जो है बच्चे को उस टाइम पे कैसे असेस करेंगे. तो पहला है कि अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर सब्सिक्वेंटली लेबल द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट. ठीक है, लेबल करेंगे. सेकेंड है, द सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट, सेम सेट प्रोवाइड किया जाए, या फिर अ वेराइटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट, वेराइटी प्रोवाइड की जाए टास्क और टेस्ट में, या फिर द सेम टाइम टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट, सेम टाइम प्रोवाइड किया जाए. तो अब लर्नर में डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे वेराइटी होनी चाहिए कि उनके जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर पाए हम टेस्ट में. तो आंसर जो है थर्ड हो जाएगा. ठीक है, वेराइटी होनी चाहिए. आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क. फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर नॉट सुटेबल, कौन सा सुटेबल नहीं है, नॉट की बात की जा रही है. ठीक है, देखते हैं कौन सा नहीं है. प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, प्रोजेक्ट देते हैं हम, ऑब्जर्वेशन भी की जाती है, हमने टूल्स एंड टेक्निक्स में भी पढ़ा था, और ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, बट रैंकिंग नहीं की जाती, रैंक्स नहीं दी जाती बच्चों को फॉर्मेटिव असेसमेंट में. तो नॉट पूछा था तो इसलिए हमारा आंसर हो गया थर्ड. आगे देखते हैं. सेवेंथ इज असेसमेंट बाय ओनली पेंसिल टेस्ट. ठीक है, ओनली बाय, ठीक है, ओनली यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है. सिर्फ पेन पेपर मोड में असेसमेंट जो होगी वो कैसी होती है. प्रमोट्स होलिस्टिक असेसमेंट, लिमिट्स असेसमेंट, फैसिलिटेट कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, या फिर फैसिलिटेट कंटिन्यूस इवेल्युएशन. तो बिल्कुल होलिस्टिक भी होती है और कम्प्रीहेंसिव, और इसको भी प्रमोट करती है. लिमिट्स ये तो नहीं करती, वो करती है लिमिट करती है असेसमेंट को. ठीक है, तो लिमिट करती है असेसमेंट को क्योंकि ओनली की बात की जा रही है ना, कि सिर्फ पेन पेपर मोड में हमारे पास इतनी सारी टेक्निक्स है, इतने सारे टूल्स हैं, तो सिर्फ हम पेन पेपर मोड ही क्यों यूज करें. तो वो हमारी जो असेसमेंट है उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर देती है, उसको बाधित कर देती है. ठीक है, तो सेकेंड हो जाएगा आंसर. आगे देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ऑप्शंस. तो यहाँ पे असेसमेंट जो है वो क्या चीज है. तो असेसमेंट यहाँ पे
should actively promote competitive spirit among children, should generate tension and stress to student to ensure learning. It is a way to improve learning, is a good strategy to label and categorize children. देखें तो first में यहाँ पे competitive spirit की बात की जा रही है जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है. Second में यहाँ बात करें कि to generate tension and stress, तो tension and stress हमारा देना भी एक काम नहीं होता assessment का. It is a way to improve learning, ठीक है. Improve learning की बात करते हैं यहाँ पे, तो थर्ड जो है ऑप्शन आंसर हो सकता है. इट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी टू लेबल एंड कैटेगराइज. बिल्कुल भी नहीं, लेबलिंग हम नहीं करते हैं. ये तो स्पेशली मैंने मेंशन की थी बातें कि जनरेट करना, स्ट्रेस जनरेट करना हमारा काम नहीं होता, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट काम नहीं होता, और ना ही लेबल करना काम होता है. हमारा मतलब होता है, मेन पर्पज होता है कि इम्प्रूव कैसे की जाए लर्निंग. तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया. आगे देखते हैं. नाइन्थ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो यहाँ पर होगा असेसमेंट शुड फोकस ऑन. असेसमेंट का फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए. पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ है, थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है. तो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा है कि इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन अमंग चिल्ड्रन, कॉम्पिटिशन जो है इंक्रीज होना चाहिए. दूसरा है रिड्यूसिंग द टीचर्स वर्क, ठीक है, टीचर के काम को कम कर दें, इसलिए ये होता है असेसमेंट का फोकस. फर्दरिंग लर्निंग, ठीक है, आगे लर्निंग को बढ़ावा देना, मतलब उसकी जो है डायग्नोस्टिक वे में उसको लेकर आगे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना, या फिर लेबल करना बच्चों को. तो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता, टीचर का काम कम हो ये भी हमारा मेन मोटिव नहीं होता, लेबल करना तो बिल्कुल भी नहीं होता. तो आंसर हमारा थ्री और थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा. आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टियाना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट, इट मे बी कॉन्क्लूडेड एज, ठीक है. ये हमने वीडियो में जब हमने किया था कंटेंट, उसमें भी बात की थी ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे. तो यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर कमिंग बैक, वहाँ से वापस आने के बाद, फील्ड ट्रिप से, जब हम फील्ड ट्रिप थी वहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, वहाँ से आने के बाद वो चीज़ डिस्कस हो रही है. तो वो कौन से काइंड ऑफ असेसमेंट में है, कौन से पैराडाइम ऑफ असेसमेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर असेसमेंट, या फिर लर्निंग ऑफ असेसमेंट. तो ये तो दोनों होते ही नहीं है खैर, तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए हैं. तो यहाँ पे देखना है हमें फॉर लर्निंग है या फिर ऑफ लर्निंग है. तो यहाँ पर बात हो रही है ऑफ लर्निंग की, ऐसे की यहाँ पे बात हो रही है समेटिव असेसमेंट की. वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम बात करें आफ्टर कमिंग बैक, मतलब वहां से वापस आने के बाद वो असेसमेंट हो रही है. अगर वहीं पे ड्यूरेशन में अगर हम असेसमेंट करते कि फील्ड ट्रिप चल रही है और ड्यूरेशन में ही हमने असेसमेंट कर दी, तो वहां पर हम बात करते फॉर लर्निंग की, पर यहाँ पर हम बात करेंगे ऑफ लर्निंग की. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया. आगे देखते हैं. असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड, यस बहुत मैटर करता है ये वर्ड एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर, इन चारों इन मतलब ऑप्शंस में से किसी किन्हीं तीन को छोड़कर कौन सी चीज ऐसी है जो फॉर लर्निंग को मतलब शो करती है. लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, नीड ऑफ स्टूडेंट, या फिर मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट. हाँ बिल्कुल, लर्निंग स्टाइल को जो है करती है, जो टेक्स करती है काम, मतलब इसको देखती है कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा था, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या थी, क्या उनकी नीड्स हैं, ताकि फर्दर जो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो और उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट है, जहाँ जहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट के, वो किए जा सके. तो ये जो है मेन पर्पज नहीं होता मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट. तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं. All of the following promote assessment as learning except, ठीक है, as learning की यहाँ पे बात हो रही है except, इसको छोड़कर. तो as में हमने बात की थी self की, ठीक है, self की यहाँ पर बात होगी. तो देखते हैं कौन सा option है. Telling student to take internal feedback, ठीक है, generate a safe environment, tell student to reflect on the topic taught, या testing students as frequently as possible. तो यहाँ पर फर्स्ट में जो बात की जा रही है इंटरनल फीडबैक, मतलब सेल्फ की ही बात की जा रही है कहीं ना कहीं. जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, वो भी खुद ही कर रहा है कि अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा देख कर, कि खुद को असेस करके कि हाँ मैं मतलब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. नेक्स्ट में भी यही बात हो रही है कि टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, बच्चा खुद से रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो सेल्फ की ही यहाँ पर बात हो रही है. तो जो ऑप्शन हो गया एक्सेप्ट नहीं, वो हो गया ये, क्योंकि टेस्टिंग स्टूडेंट, तो ये काम जो हो रहा है वो टीचर के द्वारा हो रहा है. और जबकि जो एज लर्निंग है, यहाँ पे मेन जो की वर्सन होता है वो होता है खुद बच्चा, ठीक है, स्टूडेंट. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा.
आगे देखते हैं. 13th, a teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet the student's needs. ठीक है, he or she is doing. तो यहाँ पर बच्चे की needs की बात हो रही है और जो टीचर है वो कलेक्ट कर रहा है और रीड कर रहा है बच्चे के काम को ताकि वो और इम्प्रूवमेंट ला सके अपने काम में. तो ये कौन से पैराडाइम में आएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा, ऑफ लर्निंग में, एट लर्निंग में और एज लर्निंग में. एट लर्निंग तो खैर कोई होता ही नहीं है, बट यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे की नीड की. और इसमें टीचर है कलेक्टर, टीचर है की पॉइंट, तो की पर्सन. तो यहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग भी यहाँ पर कट गया, ये भी रिमूव हो गया. तो यहाँ पर आगे मतलब इम्प्रूवमेंट की भी बात हो रही है, तो क्लियर है कि यहाँ पर फॉर लर्निंग की बात हो रही है क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में डायग्नोसिस की बात की जाती है. ठीक है, तो क्लियर है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोग्रेसिव पेडागॉजी. प्रोग्रेसिव पेडागॉजी, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए जो पेडागॉजी वो यूज की जाती है वो किस में यूज हो रही है इन सब में से? असेसमेंट इन लर्निंग में हो रही है, ऑफ में हो रही है, फॉर में, या फिर अलोंग में. अलोंग वैसे ही नहीं होता, तो फॉर लर्निंग में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि फॉर लर्निंग को हम FA मानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट. और वही एक ऐसा असेसमेंट है जहां पर मतलब डायग्नोसिस की बात हो रही है, बच्चे की नीड्स की, इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है. तो प्रोग्रेसिव जो है पेडागॉजी वो रिलेटेड है असेसमेंट फॉर लर्निंग से. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, टेस्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस इज नोन एज. ठीक है, तो ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरेशन की बात हो रही है और डायग्नोसिस की बात हो रही है, ये कुछ की टर्म्स आपको रिलेट हो जाने चाहिए इन वर्ड्स से. अभी तक तो वैसे आप देख के समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये सबमेटिव है, फॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव है, या फिर नन ऑफ दीज. तो बिल्कुल ये फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका आंसर होगा क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है, और डायग्नोसिस की बात हो रही है, तो ये फॉर्मेटिव हो गया. और ये एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बिल्कुल बताएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में. और यहाँ पर है कि व्हेन अ कुक टेस्ट फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकिन टू. एक जो कुक है वो खाना मतलब ड्यूरेशन में, मतलब बन रहा है, पक रहा है, अभी पूरा पका नहीं है, मतलब उससे पहले ही टेस्ट करके देख रहा है कि वो ठीक से पका है कि नहीं, तो ये कौन सी लर्निंग में आएगा? ठीक है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हो तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे मुझे कि पेपर में आ सकते हैं, तो ये हमने इसमें इंक्लूड किए हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.